Hi guys, welcome back to another reaction video joined by my beautiful wife. So let's start the video. Ikela ki shaadi ho chuki aur main Delhi mein tha to like hum नहीं नहीं सॉरी एंगेजमेंट तो मैं दिल्ली में था ना तो हम बिल्कुल टाइम पे भी रिकॉर्डिंग कर पाए बट इट्स फाइन ऑन वीकेंड्स वी आर रिकॉर्डिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो 5 दिन हो गए इस वीडियो को आए 6 दिन लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो शादी भी नजदीक होगी हैं फिर तो शादी भी नजदीक होगी या लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स स्टार्ट द वीडियो नहीं अभी शादी कहां है मैं तो दिखाने आई हमारे घर देखो कितना प्यारा लग रहा है अच्छा लग रहा नहीं गाइस का हां वो साइड अभी डेकोर करवानी है अभी तो इन क्या ना आई लाइक हर जैना जैना इज माय फेवरेट Okay. Assalamualaikum everyone. Welcome to Sistrology. This is me, Krakowa. Welcome to another vlog. Welcome to another day. आप लोगों को पता लग रहा होगा कि आज क्या दिन चांद रात मतलब क्या है? होने वाला है, as you know. एक दिन चांद रात यानी कि मतलब जो हम गाने गाते रात को बैठ के वो वाली चीज़. किस्म की चांद रात है हमारे घर ये देखें. चांद रात चांद की तरह चमकता नहीं है अभी तक. वो वाली आते हैं हमारे घर की चमचे नहीं है. जितना भी बाकी है मेरे दोस्त तो हमारा घर जो है वो ऊपर से भी देख लें वो अभी तक जो है वो रेडी हो चुका है एंड मैं सुबह से जो है प्लीज अपना मेकअप क्लोज से दिखाना मुझे गलतियां निकाल बहुत सारी चीजें थी और आपको पता है कि मुझे बहुत गंदी हालत है खुद की चाहे सो बात है और अभी जो है वो कुछ ड्रेसेस जो हमारे साइजेस के बने थे वहां से जाके मैं अपने ड्रेसेस भी पकड़ने हैं आपको दिखा हमारे तो भी गिफ्ट मिला ही अपने ग्रूम के लिए क्या क्या चीजें शॉप की थी क्या क्या चीजें मैं उनके लिए लेकर आई थी और अभी उसके गिफ्ट भी पैक करने हैं क्या क्या ये बटन मुझे बहुत अच्छा लगता है काम कर रहे हैं ये भी ये देखिए एक मिनट मेरे सर पे ना मार दें सो गाइस हम लोग सब चीजें पिक करके घर आ चुके nice थे cover. और आपको पता है कि सुबह इवेंट है और ये खुद से लिखा हुआ है ठीक है इन सब की तैयारियों में मैंने Maybe. कुछ भी कैप्चर नहीं किया है सच इसको कितना ये सरयाम पता लग रहा है कितनी मेहनत कर रही है जस्ट लुक एट ये फुले हुए हैं क्या बोलते हैं पता नहीं आ रहा अभी सुबह देखना फेस ग्लो भी करेगा आईज भी अच्छी हो जाएंगी इसकी सोने के बाद ड्रेस पूरी हो रहा है क्लच मेरी ज्वेलरी मेरा सामान है मतलब मेरा लहंगा जो है ना वो बहुत ज्यादा वजनी है पापा का वेट कर रही हूँ लहंगा कितना महंगा होगा इसका यार देखना मेरे लाखों लाखों में तो होगा पांच मन का वाला ना पांच मन अब वो जो इतना वजनी गाना यार इसके पापा भी लग रहे हैं जैसे पॉलिटिशियन है कौन है पीटीआई का एक पॉलिटिशियन है उनके जैसे लग रहे हैं देखिए नाइस पापा वो कहाँ गई दूसरी बेटी मुझे लग रहा नीचे रश लगा वो भी सैड होंगी 8 बजे और मैं पूरे 9 बजे यहाँ पे पहुंची हूँ अब अभी जा रही है डिस्कस कर रही थी क्योंकि एक बच्ची उठा के लेकर आई है छोटे वाला तो शीज़ के एना वजनी एनु खाने तो बादाम खाने चुक्कल नहीं बादाम खाने मैंने तो ये मैंने उठाना है मैंने देख रहा कवर इज इन प्रोसेस नाउ मॉइस्चराइजर अब आगे मेकअप अब अभी मेकअप स्टार्ट इसका मुझे मजा आता है देखने जो प्रोफेशन हो ना वो देखने में मजा आता है अभी वो लगा दिया सारा फाउंडेशन वगैरह लगा चुके हैं वो अब भी लग गया इसको अभी मेकअप डन नहीं है इसलिए वो चेहरा दिखा नहीं रहे अच्छा नहीं लगता ना बिना लिपस्टिक के जब तक सच्चाई यार ये मेरी बहनें आती गई हैं स्टूडियो में शोर शुरू हो गया मम्मी भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं अच्छा शोर कर रही हैं बहुत ज्यादा कपड़े शपड़े प्रिपेयर कर रही हैं अपने ड्रेस कितनी यार पाकिस्तान में ड्रेसेस बहुत सही हैं लड़कियों के लिए यार देख वाह ये बहुत महंगा हुआ मैं लिख के दे रहा हूँ ये दोबारा आएगी तब तक पता नहीं मैं यहाँ होती हूँ या शूट के लिए निकल जाती हूँ भाई मेरा तो मेकअप हल्की आज तो मैं आपको नाइस मुझे अच्छा लगा न्यूड सा नाइस ये भी अच्छा किया है इन्होंने हल्का हल्का ये बुक्का जो फातिमा है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट में है मतलब कितनी सही लग रही है कितनी सही लुक लग रहा है इकरा साहब वाह नाइस अच्छा मेकअप किया अच्छा मेकअप ड्रेस देख तू बाहर सबसे लहंगा किसका लग रहा है मुझे इकरा का बॉम्ब लग रहा है मुझे कलर बहुत पसंद आ रहा है वो यूनिक सा कलर सबसे एक सा कलर पहना है सेक्सी कलर स्ट्राइक का तो कोई आंखें बंद करो मेकअप दिखाओ वाह नाइस और मेरा अभी पार्टी आपका लव है
हेयर स्टाइल मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगा इकरा का भी अभी के लिए नहीं अभी के लिए नहीं लगा आई थिंक मेरे पूरा नहीं हुआ था नहीं हो चुका है हेयर स्टाइल डन हो चुका अरे मतलब उसको मैनेज नहीं किया जैसे अभी चुनरी डाला ना आई थिंक मे बी इसके लिए डाला होगा अभी लाइन से लेट्स सी पूरा फिनिश हो गया है वो इस टाइम बहुत धक धक कर रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि डेकोर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए उसी लिहाज से जिस लिहाज से लोग आना चाह रहे थे शादी पे ये ब्राइड बैठी हुई है देखा ब्राइड सबने एक ही सबको एक ही हेयर स्टाइल किया देखो सबका ऐसे सेंटर पार्टीशन करके कर्ल्स मम्मी के भी देखो वो चुप बैठी है देखो रो रही है शायद जब डोली आएगी ना तो मेरी बहनें सबका अपना शूट चल रहा है कोई फायदा नहीं है एस्ट्रोलॉजी की पांच महीने इस पांच है ये वो चार थी मैं अकेली ये सिर्फ मेरी टीम है आज से एस्ट्रोलॉजी टीम में मेरे फोटोग्राफर हैं बाकी सब नल्ले बेरोजगार अभी एक मिस्टेक दिखाओ हां बोलिए यार लहंगा कितना बॉम लग रहा है यार यार मुझे मिस्टेक दिखानी है आगे करो अरे तू ये देख रहे हैं यार क्या सही ड्रेस है यार तू छोड़ो अभी इसको मैं जो है ना अपना फोटो शूट कर दूंगा अभी देखो टीका किधर जा रहा है सेंटर पार्टीशन किधर जा रही है देखो अभी मुझे वो नहीं देखना मुझे देखना है इसका लहंगा कितना बॉम है लहंगा खुद ही दिखाऊंगी अभी देखो देखो कहां जा रहा है देखो 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 ठीक है That's the moment. I think pre-wedding shoot. Wow, कितना मतलब सही किया ना arrangement बाहर पूरा खुले में ना. Wow. Nice. Okay, photo shoot चल रहा है. Photo shoot, video shoot. मोबाइल से भी ऐसे ही बना रहे हैं ना पूरे शॉट ले रहे हैं ओके गाइस बहुत ही वो सीन है कि मैं अभी सबसे और मैं मुझसे अभी तक अपना ड्रेस भी नहीं संभाला जा रहा ये मेरे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे एक पर्सनल वीडियोग्राफर मेरे साथ साथ है जो मेरी वीडियोग्राफी कर रहा है मैं जब हाँ भी करती हूँ ये भी शूट करते हैं तो ये मुझे बहुत चीज़ बेस्ट चीज़ है कसम से तो अब इसीलिए मैं आपको ना साथ साथ हर चीज़ दिखाती है तो यहाँ पे आपके शूट हो रहा है आपके यहाँ पे शूट हो रहा है और मेरा अभी तक शूट ही नहीं हुआ उन्होंने वीडियो डाली है ना इसकी भी वीडियो बन रही है तो ये सबसे अच्छी बात है डक्की भी आया इसकी ये है बी माय वाइफ किया जाएगा आपको और ये पूरा व्यू है टिकटॉक से बन रही है ओह माय गॉड गाइस यहां पे इतना रश हो गया हमने सोचा था कि हम व्लॉग बनाएंगे बट हमारा व्लॉग नहीं बना और मेरे पांव से ये देखो सब पर से ड्राइव था ये मेरा फिर बाल ठीक कर दो यार देखा ये मुझे समझ नहीं आता हाँ ये जो लड़कियाँ लहंगा पहनती हैं वो शूज़ महंगे क्यों लेती हैं मुझे दिखता तो है नहीं वो कभी किसी को शूज़ बट क्यों महंगे लेते हैं दिखते हैं जब ऐसे करके स्टाइल से ऐसे करके बैठते हैं पूरी हील दिखती है ऐसे कभी बैठे नहीं मैं नहीं पहनूंगा लहंगा आपका दिल नहीं कर रहा वही गाना वही है ना ये पेपर काके का गाना है जो काके का गाना हाँ सेकंड व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है बट आज नहीं पाएगा वो रिकॉर्ड वो हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा मुझे यार कितनी अच्छी लग रही है पांचों बहने वाला है ना बिल्कुल रॉयल फील आ रही है ना बेचारा मतलब एक बहन ले जा रहा है वाय ब्रो वाय घर जमाई बन जाओ प्लीज मतलब व्लॉग नहीं बनना चाहिए इनके इसको कह रहा हूँ इसको घर जमाई बनना चाहिए मतलब फिर इकरा घर पर रहेगी ना फिर व्लॉग चलते रहेंगे इनके To be continued. इनका कोई भाई तो नहीं है ना नहीं पांच महीने ना यार क्या यार मुझे ना पर्सनली बुरा लग रहा है बिकॉज़ जा रही है करा बिकॉज़ इतनी अच्छी फैमिली थी भाई भाई आपको क्यों बुरा लग रहा है I don't know. मैं देखो मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ सो हो जाता है इट्स फाइन नहीं 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 सो गाइस मजा आया देख के व्लॉग ओके अरे नहीं वैसे इमोशनल लग रहा हूँ लाइक वो टूट लग हो जाएंगे अरे लिटरली नहीं नहीं नहीं
इसकी व्लॉग ना जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो थोड़ा एक दो दिन डिले हो सकता है मे बी, या फिर हमें ऑनलाइन बैठ के स्क्रीन पर करेंगे बिकॉज मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है। सो विल के नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।